हर हर महादेव। देखिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक धीरज शर्मा जी हैं, अत्रिय गोत्रीय है। इन्होंने एक प्रश्न किया हुआ है कि हमने किसी बापू जी से जो है माइक से एक दीक्षा ले रखी है, यद्यपि हमारी उनमें श्रद्धा नहीं है, मैं उसका मंत्र जप भी नहीं करता हूँ, संध्या वंदन इत्यादि करता हूँ, तो क्या मैं उनको छोड़ करके किसी दूसरे से मंत्र दीक्षा ले सकता हूँ? मार्गदर्शन करें। देखिए बहुत अच्छी बात है कि आप जो है संध्योपासना करते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद है। और ऐसे संध्योपासना करते हुए भी ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ गए, इसलिए जो है ये बात ठीक नहीं है, ये जो है आपकी अज्ञानता का सूचक है। सामान्य रूप से ये आज से ही नहीं, लोगों के ये करने के बाद नहीं कि ये जो सब खुलासा हो गया बापू का और इसका इसका, ये बात नहीं, पहले से ही और आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका सामान्य रूप से खुलासा नहीं है, पर शास्त्र की कसौटी पर वे तो बहुत ज़्यादा निंदे हैं और लोग उन्हीं के ज़्यादा शिष्य बन रहे हैं। तो ये तो सब धर्म का जो है उन्मूलन ही है। मुख्य रूप से आपका जो प्रश्न है वो सार्वजनिक है, इस रूप से इसी का उत्तर देंगे कि भाई अयोग्य गुरु का क्या शिष्य प्रत्याग कर सकता है, जिसमें जो है शास्त्र की दृष्टि से वो योग्यता नहीं हो जो गुरुत्व में होना चाहिए, वो जो है गुरु जी में जो योग्यता है वो नहीं है उनमें, तो क्या उसको शिष्य छोड़ सकता है? तो शिष्य में बस जो है ये सामर्थ्य शास्त्रों ने दी है क्या, शिष्यों को ये आदेश दिया है क्या, एक बात। दूसरी बात, गुरु में क्या क्या अयोग्यताएं हों तो शिष्य को उनको छोड़ देना चाहिए, ये गुरु में क्या क्या अवगुण जो है हों तो वो गुरु कहलाने योग्य नहीं होते, इसको शास्त्रीय अनुसार देखिएगा। तो ऐसे कुछ अवगुण हैं जो यदि गुरु में आ जाते हैं तो गुरु का परित्याग करने के लिए शास्त्र आदेश करते हैं। देखिए महाभारत के उद्योग पर्व में 178वें अध्याय में 48वां श्लोक है, और भी महाभारत में ये कई जगह ये ऐसा ही पाठ वेद से श्लोक आया है। वाल्मीकि रामायण में भी यही श्लोक 2:21-13 में आया है, पद्म पुराण में भी 3:53-25 में है, कूर्म पुराण में भी 2:14-25 में है, स्कंद पुराण में भी ये जो है 6:278-88 में है। तो क्या है देखिए, गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। ये जे अवगुण यदि गुरु में हो तो उनको त्याग देना चाहिए। जो ये जो है अपने अहंकार में आकर के कर्तव्य अकर्तव्य को जो भूल गए हों, शास्त्र के अनुसार क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, और जो गलत मार्ग पर चल रहे हों, उत्पथ प्रतिपन्नस्य है ना, ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। जो कि अज्ञान में लिप्त हों, जो अशास्त्रीय मार्ग पर चल रहे हों, जिनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस कर्म के लिए शास्त्रों में आज्ञा है और किसके लिए निषेध है, ये ज्ञान नहीं है, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। आगे भी कहते हैं, एक गुरु गीता जो है ग्रंथ है उसमें 98वां श्लोक है और सिद्ध सिद्धांत संग्रह का भी ये श्लोक है कि ज्ञानहीनो गुरुस्त्याज्यो मिथ्यावादी विडम्बकः और स्वविश्रांतिम न जानाति पर शांतिम करोति किम्। जो ज्ञान से हीन है ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। जो झूठ बोलने वाले और आडंबरी गुरु हैं, विडम्बका, और ऐसे लोग स्वयं की शांति कर नहीं पाए, जिनका अंतःकरण स्वयं शांत हुआ नहीं, दूसरे को क्या शांत करेंगे, क्या शांति प्रदान करेंगे, ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। जो पतित हो, शास्त्र के अनुसार जो पतन होने के लक्षण गिनाए गए हैं
तो पतिता गुरुवस्त्याज्ञा, जो गुरु पतित हो चुके हैं, जो धन लोभी, स्त्रियों में मोह करने वाला है ना, और ऐसा गलत मार्ग पर चलने वाला, ऐसा भी जो गुरु है उसका भी त्याग कर देना चाहिए। शिव पुराण में भी जो है श्लोक आया है, यत्र आनंदा प्रबोधो वा नाल्पमप्युपलभ्यते वत्सरादपि शिष्येन सोयम् गुरुमुपाश्रये। त्यजेत धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजेत। ऐसा कोई धर्माचरण है जो जिसमें दया नहीं है, क्रूरता बर्बरता है, तो ऐसे धर्म के कार्य को भी छोड़ देना चाहिए, है ना। दयाहीनम धर्मम त्यजेत और विद्याहीनम गुरुम त्यजेत, जो ज्ञान से हीन है, विद्या से हीन है, ऐसे गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। और मत्स्य और सूक्त तंत्र के जो है त्रयोदश पटल में लिखा हुआ है, देखिए, अपुत्रश्चा सुत पत्नी का शक्तिहीनोथ वामनः कुब्जः कुष्ठः श्यावदन्तो वृषलीपतिरेव च माता महस्यानुजस्य सोदरस्य तथैव च पित्रोर्मन्त्रं न गृह्णीयात् तथा चैवाश्रितस्य च कदाचित् यदि गृह्णाति पुनः संस्कार अर्हति। इसमें कुछ गुरुओं के लिए निषेध गिनाए गए हैं। ऐसे गुरु यदि मिल जाते हैं, ऐसों को कोई गुरु बना लेता है, तो लिखा है कदाचित यदि गृह्णाति, ऐसे ऐसे मंत्र यदि ले ही लेता है, यद्यपि ये मंत्र के लेने के अयोग्य हैं, तो भी तो पुनः संस्कार अर्हति, तो फिर दोबारा संस्कार करवाना चाहिए। और देखिए कामाख्या तंत्र के तृतीय पटल में लिखा हुआ है कि सर्वेषां भुवने सत्यम ज्ञानाय गुरुरेव हि ज्ञानान् मोक्षमवाप्नोति तस्मात् ज्ञानम् परात्परम् अतो यो ज्ञान दानो हि न क्षमेत तम त्यजेत गुरु। बोले संसार में सबसे बड़ा कार्य गुरु का जो है वो ज्ञान देने का है, क्योंकि ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यदि कोई ज्ञान को ही नहीं जानता है, अज्ञानी है, तो वो क्या शांति देगा, क्या ये दे सकता है, फिर किसके लिए गुरु करना है। तो तम त्यजेत गुरु, ऐसे अज्ञानी गुरु का तो परित्याग कर देना चाहिए। और फिर नवीन जो है दीक्षा ग्रहण करे, योग्य गुरु को बनाए, ये शास्त्रीय विधान है। तो मुख्य बात ये हुई, उपर्युक्त शास्त्रीय उपदेशों के अनुसार ये निर्णय हुआ कि अयोग्य गुरु को, अनधिकारी गुरु को अधिकारी शिष्य त्यागने का अधिकारी है, वो उनका परित्याग कर सकता है, करना चाहिए, विधीयते, ऐसा विधान किया जाता है। और योग्य गुरु का, योग्य आचार्य का वरण करे और अपने मार्ग का जो है उद्दीपन करे, अपने श्रेष्ठ मार्ग का अवलंबन करे, शास्त्रीय मार्ग का अवलंबन करे, इसमें वो अधिकारी है, अधिकृत है। तो ये जो है शास्त्रीय निर्णय है कि अयोग्य गुरु का सर्वथा योग्य शिष्य परित्याग कर देवे और श्रेष्ठ मार्ग का अवलंबन करे। हर हर महादेव।